Hello guys, welcome to the Nexus Academy to develop the passion of learning. एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, एक बहुत अच्छी खबर आई है टेंथ और ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, जो स्टूडेंट नंबर से असंतुष्ट है वो स्कूटनी के लिए दे सकते हैं आवेदन। जी हाँ, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक व इंटर परीक्षा की स्कूटनी के लिए तिथि घोषित कर दी है। इसलिए जो स्टूडेंट्स अपने नंबर से असंतुष्ट है वो स्कूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इस वर्ष स्कूटनी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। जी हाँ, स्कूटनी की सारी जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन ही की जाएगी। इस वीडियो में आपको मिलेगी पूरी जानकारी, तो सबसे पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऐसी अहम खबरों को जानने के लिए। जी हाँ, स्टूडेंट्स जैक की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। मैट्रिक के परीक्षार्थी 29 जुलाई से 28 अगस्त तक आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म जैक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षार्थी अधिकतम 3 विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैट्रिक में एक विषय के लिए ₹300 शुल्क जमा करना होगा। जैक ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के बाद या डाक के माध्यम से स्कूटनी के लिए भेजे गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इंटर के स्टूडेंट्स के लिए 31 अगस्त तक जमा करना होगा आवेदन। जी हाँ, इंटर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें 31 अगस्त तक आवेदन जमा करना होगा। इंटर के जो स्टूडेंट्स हैं वो 1 से 31 अगस्त तक स्कूटनी के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। प्रत्येक विषय के लिए ₹500 शुल्क जमा करना होगा। साथ ही साथ मेडिकल व इंजीनियरिंग के लिए जो परीक्षार्थी स्कूटनी कराना चाहते हैं उनके लिए भी स्पेशल स्कूटनी की जाएगी। जी हाँ, मेडिकल व इंजीनियरिंग के परीक्षार्थियों के लिए स्पेशल स्कूटनी होगी, जिसमें मेडिकल इंजीनियर व अन्य शिक्षण संस्थानों में प्रवेश परीक्षा में शामिल विद्यार्थी स्पेशल स्कूटनी के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके तहत स्कूटनी की जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को प्रति विषय ₹1000 शुल्क जमा करना होगा। साथ ही साथ जैक ने ये स्पष्ट कर दिया है कि स्कूटनी में उत्तर पुस्तिका का पूर्ण मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। जी हाँ, जो उत्तर पुस्तिका है उसका दोबारा से मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। स्कूटनी के लिए किन किन बिंदुओं पे विचार होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कॉपी के अंदर के जो पेज में जो अंक होंगे अगर वो मेन पेज पे नहीं होंगे तो उसे मेन पेज पे ऐड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई प्रश्न उत्तर बिना अंक के बिना मूल्यांकन के रह गया तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा। अंकों का योग अगर सही नहीं हो तो उसे सुधार किया जाएगा। इसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने स्कूल कॉलेज के प्राचार्य से आवेदन अग्रसारित करना होगा। आवेदन के साथ प्रमाण पत्र की जो जीरोक्स है वो लगेगी, जो झारखंड कार्यालय में जमा करनी होगी। साथ ही साथ और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अंक पत्र में सुधार के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप अपने अंक पत्र में सुधार चाहते हैं तो उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। मैट्रिक व इंटर के जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने अंक पत्र में सुधार चाहते हैं वो भी आवेदन जमा कर सकते हैं। मैट्रिक के परीक्षार्थी 28 अगस्त तक व इंटर के जो स्टूडेंट हैं वो 31 अगस्त तक आवेदन जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ निर्धारित तिथि यानी कि 28 अगस्त और 31 अगस्त के बाद संशोधन के लिए जो आवेदन है वो जमा नहीं लिया जाएगा। इसके लिए क्षेत्रीय कार्यालय दुमका व परमंडलीय कार्यालय पलामू में भी आवेदन जमा लिया जाएगा। तो स्कूटनी के लिए फॉर्म कहां से भरे, कैसे भरे और क्या क्या चाहिए उसके लिए उन सब की पूरी जो डिटेल्स है उसकी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से जाके पूरी डिटेल्स जान सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट्स मिलती रहे। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए द नेक्सस एकेडमी को, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर एक अपडेट्स और हर एक न्यूज़ पाने के लिए। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।